और अब बात करेंगे बढ़ता झारखंड की, तो लातेहार जिले का बालूमाथ गांव आज पपीता के गांव के नाम से मशहूर हो गया है। वजह जानने के लिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जो बदलते झारखंड की एक नजीर पेश कर रहा है। नक्सल प्रभावित जिले की बदली तस्वीर, तस्वीर जो आपको खुश कर देगी, तस्वीर जिसे देखकर आप कहेंगे बढ़ रहा है झारखंड। जी हाँ, बदल रहा है हमारा झारखंड। ये वो जिला है जिसे 90 के दशक में लोग नक्सलियों की राजधानी कहा करते थे। उस जिले से नक्सलियों का पुलिस और प्रशासन सफाया कर रही है। ये कार्रवाई आपको तब अच्छे से नजर आएगी जब आप लातेहार आएंगे। एक समय था जब यहाँ के किसान नक्सलियों के खौफ के साये में जीते थे और खेती करने से डरते थे। आज उन्हीं किसानों ने पपीता की उन्नत खेती की ओर कदम बढ़ाया है। सुनिए उन्हीं की जुबानी उनकी कहानी। जो पूरे 2.5 एकड़ का जब उत्पादन जो होता है, अच्छा उत्पादन हुआ, तो पर साल शुद्ध जो आय है लमसम 3 लाख से पार कर जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किसान अपनी खेती से 3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं और अच्छे ढंग से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वहीं इन किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की ओर से भी अच्छे टिप्स मिल रहे हैं जो अच्छे पैदावार में इनकी मदद कर रहे हैं। विषम परिस्थितियों में खेती करने का मात्र एक ही कारण है कि इन लोगों ने ड्रिप अपनाया हुआ है। यहाँ मिट्टी की कमी है, यहाँ मिट्टी गहराई भी कम है और उर्वरा शक्ति भी बहुत कम है, तो ऐसे में ड्रिप इरिगेशन के द्वारा ही खेती किया जाता है। अब बालूमाथ गांव पपीता के गांव के नाम से जाना जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र के किसानों ने जिस तरह से बंजर भूमि को सींच कर उन्नत खेती की, उसे देखने के बाद वाकई ये कहना होगा कि अब ये गांव किसी मायने में न पिछड़ा रह गया है और न ही अब यहां के लोग डर के साए में ही जीने को मजबूर हैं। संजीव कुमार गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लातेहार।